नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं टोटल आईडी सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग टैली के बारे में सीखेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करने ना भूलें। धन्यवाद। सबसे पहले दोस्तों टैली को ओपन करेंगे, उसके बाद हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों अपनी कंपनी का नाम जो चाहिए वो आपको टाइप करना है। उसके बाद अपना एड्रेस डालना है, जो भी आप एड्रेस डालना चाहो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, दिल्ली जो भी आप स्टेट है आपकी, आपका पिन कोड, एरिया पिन कोड डालेंगे, टेलीफोन नंबर डालेंगे यहाँ पे अपना, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे। एंटर कर देंगे। सेकेंडरी में आपको अकाउंट विद एनी एंट्री करना है। आपका जो फाइनेंशियल एरिया है 1/4/2017 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नो करेंगे और अगर अपना अकाउंट में पासवर्ड डालना है तो यहाँ पे यस करेंगे और अपना अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे। चलिए हम डालते हैं। अब हमने एडमिनिस्ट्रेटर नेम एसएस डाल दिया अपना, आप जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर नेम डाल सकते हैं। यहाँ पासवर्ड डालेंगे, री पासवर्ड करेंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे। उसके बाद एंटर एंटर करते चले जाएंगे और लास्ट में इसको एग्री करेंगे यस, और आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पे पहले लॉगिन मारेंगे, अपना अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डाल देंगे और आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेती है कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर बनाने में। इस तरह से आपका टैली का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हम टैली को एक बार बंद करेंगे, उसके बाद रीस्टार्ट करके दोबारा अपनी कंपनी चेक कराते हैं, चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आपकी कंपनी बन चुकी है। अब इसे मैं टैली को बंद करके दोबारा से हम ऑन कर लेंगे और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में।